Terus sampai kawan. ऐसा काम ना करे, जब भी साथ बैठे किसी को नहीं पीजिएगा। देखो पैर के नीचे से जा रहा है लेकिन बाइट नहीं कर रहा है। तो कह चुके हैं बगल के गांव में सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह का मॉर्निंग का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री तक रह रहा है और ऐसे में भैया के घर पे कोई सांप निकला हुआ है। भैया आपका शुभ नाम क्या है? सुशील मिश्रा भैया का नाम है। ये जगह है पाड़ेपुर और चलते हैं देखते हैं आखिर सांप कौन सा है। ठंड के मौसम में सांप भी काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी कमरे में वो सांप बैठा हुआ है और इस कमरे का टेम्परेचर भी काफी गर्म है, शायद इसीलिए वो कहीं से इसमें छिपने के लिए आ गया है क्योंकि ठंड से सांप भी बहुत ज्यादा परेशान है। आइए पास लीजिए। आइए दोस्तों देखिए यहाँ बक्से के पीछे है ये और ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। चलिए चलिए दोस्तों देख सकते हैं काफी बिग साइज का है ये। नहीं केचुली में नहीं है ये, इस एकदम ठंड के कारण ऐसा हुआ है। हाँ ठंड से इनका जो ब्लड है वो जमने लगता है क्योंकि ये कोल्ड ब्लड होते हैं, छूने पर भी इनका शरीर काफी ज्यादा ठंड होता है। देखिए लोग कहते हैं कि सांप किसी को दौड़ा के काटता है, अभी वो देखिए किसी को भी काटने का प्रयास नहीं कर रहा है, सिर्फ वो छिपने की जगह ढूंढ रहा है। दोस्तों इसे ही नाग फेटार और गेहुअन के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है, जो कि काफी हाई वेनमस होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जो कि दो बूंद जाते ही शरीर में इंसान की मौत तय है। और ऐसे में झाड़ फूक के चक्कर में तो नहीं पड़िएगा क्योंकि बगल के ही घर में आए थे तो लोग शायद सती मैया के लिए पैसा वैसा भी अच्छे थे, तो ऐसा काम ना करें। जब भी सांप काटे किसी को आप सीधा हॉस्पिटल जाएं। देखिए दोस्तों आप वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा। देखिए पैर के नीचे से जा रहा है लेकिन बाइट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये किसी को जानबूझ के बाइट नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए ही किसी को बाइट करते हैं। दोस्तों देखने में काफी प्यारे ही सांप होते हैं, ये जानबूझ के बाइट किसी को नहीं करते हैं। नहीं इसका लाइटिंग का रास्ता है। देखिए तो चलिए अभी सब पैक करते हैं बिना छेड़छाड़ किए और कहीं लेके चलते हैं, इसे खुले पर्यावरण में रिलीज किया जाएगा। बैग दे दीजिए ना। अच्छा उनका नाम लेने पे सांप क्या करता है? अच्छा दोस्तों गर्मी में ये सांप काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं और ठंड के टाइम काफी ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। देखिए वो परेशान है बहुत ज्यादा ठंड की वजह से। तो चलिए सबसे पहले इसको हेड को कैच करते हैं। ये भारी कहाँ है, इसका वजन तो बस आधा केजी होगा। दोस्तों देखिए इसके ऊपर में ही दो जहरीले दांत होते हैं, यही दांत जो है जहरीला होता है, बाकी नीचे के दांत काफी छोटे छोटे होते हैं मछलियों के दांत की तरह और बस खुदरापन टाइप का होता है। और चलिए अभी इसे पैक करते हैं और आप वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके हेड को कैच करना एक जिंदगी और मौत का खेल है। चलिए दोस्तों वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा और किसको सुंघाना है?
दोस्तों देखिए, सबके अंदर एक अभी बहुत सैडनेस था, लेकिन अब जो है सबके अंदर खुशी आ चुकी है, क्योंकि एक सांप जो है घर से अब जा रहा है। और आप लोगों ने देखा, बिना किसी इंजरी के इससे लेके चलते हैं और देखते देखते ही कैसे पैक कर लिया गया है। और आप वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा, जब भी स्नेक बाइट हो आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए। अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करिएगा, और ताकि और थोड़ा दूर दूर तक शेयर भी करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इन्हें भी बचाने के लिए कोई काम करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका हेल्प जरूरी होता है। तब तक के लिए जय हिंद।